हेलो फ्रेंड्स, मेहरा राइडर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक होगा रेयर व्हील पे, कि आप रेयर व्हील जो आपका है रॉयल एनफील्ड का, उसके बैरिंग को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जब इसमें एक आवाज़ आनी शुरू होती है, टिक 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 की आवाज़ आती है, तो हम खाली चलाते हैं बिना ऊपर बैठे तो इसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम ऊपर बैठते हैं और इसको चलाते हैं थोड़ा सा, तो इसमें एक टक 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 की आवाज़ आती है। उसी की एक सॉल्यूशन यही है कि इसमें बैरिंग जो है, उसके बैरिंग के अंदर जो इसकी रॉड लगी होती है एक, वो ख़राब हो जाती है, तो बैरिंग इसके बैरिंग के ऊपर की पेस्ट जो है घिस जाती है, जिसके कारण हमारे बैरिंग चेंज करने पड़ते हैं इसमें, और इसका सॉल्यूशन यही है एक। बाकी जुगाड़ करके हम कर लेते हैं, लेकिन जुगाड़ से कुछ टाइम तक निकलता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम इसमें एक जुगाड़ किया था, जो बैरिंग है उसके ऊपर कली करवा दी थी, तो कली करने के बाद, कली एक एक मेटल की परत होती है, उसको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में कली बोलते हैं, एक मेटल की परत चढ़ा देते हैं जिससे वो जो उसकी कमी है वो पूरी हो जाती है, उससे वो प्रॉपर फिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही बताऊंगा कि आप बैरिंग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं एक साल तक तो मैंने इसको चलाया, वो कली वगैरह करा के, एक साल से भी कम टाइम लगा, उसमें दोबारा ये ख़राब हो गया और दूसरी बार फिर वही प्रॉब्लम है। तो अब मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं इसको पूरे को चेंज कर दूँ, बैरिंग वगैरह, तो मैं आज आपको बैरिंग चेंज करके दिखाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, टायर हमने खोल लिया है। टायर खोलने की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, और आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। और टायर खोलने के बाद मैं आपको बता रहा था जो जो सामान हमें चाहिए, उसमें मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें दो लकड़ी के गुटके चाहिए, और दूसरा एक हथौड़ा चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और इसी में हमारे एक्सल के साथ जो लगा होता है स्पेसर, ये टायर को स्पेस देने के लिए होता है, ये चाहिए। और ये जो हमारी टूल किट में इसको घुमाने के लिए आता है, ये रॉड आती है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मैं दूसरे जो प्रोफेशनल रखते हैं उनकी नई चीज दिखाऊंगा, क्योंकि हमने एक घर में कैसे हम काम कर सकते हैं वो दिखाना है। मैकेनिक के पास तो सभी अवेलेबल होता है, लेकिन हमने खुद करके घर में हम कैसे करते हैं, किस किस सामान से कर सकते हैं, मैंने वो दिखाना है आपको। तो ये रॉड चाहिए इसको यहां से निकालने के लिए। तो अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने जो लकड़ी के गुटके हैं उनको यहां नीचे रख लेना है, ताकि टायर और फर्श के बीच में गैप बन जाए थोड़ा सा, और बैरिंग के निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से रखना है। ऐसे रखने के बाद आपने जो स्क्रू ड्राइवर है माइनस वाली साइड से यहां पर डालना है, और इसको रबर को ऐसे निकाल देना है। ये हमारी सील है इसकी। ऐसे निकालने के बाद आपने इसको टायर को उल्टा करके रखना है, इस तरह से, इस तरह से उल्टा करके रख देना है। और उल्टा रखने के बाद जो मैं आपको ये बता रहा था फ्रेंड्स, आप देखोगे तो इसके अंदर छेद मिलेगा आपको। ये हमारा बैरिंग है, जो बैरिंग के नीचे जो रॉड लगती है, इनर साइड जो रॉड होती है, एक पाइप टाइप में होती है, नाम मुझे नहीं पता उसका, तो उसके अंदर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उसका नाम क्या है। उसके अंदर आपने इसको हल्के से इसमें टच कर देना है, और दूसरी साइड से इस तरह से हथौड़ा मारना है। ये देखिए, नीचे से बैरिंग जो है वो निकल चुका है पूरा। ये वाला छेद मैं बोल रहा था आपको, जो हमारा हमारा जो ये है, जो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला छेद है, हमने यहां से इसमें हल्का सा इसको इसमें अटका देना है ऐसे, और उसके बाद जब हथौड़ी मारेंगे निकल जाएगा बाहर को। मैं फ्रेंड्स ये प्रोफेशनल नहीं है, जुगाड़ करके मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप निकाल सकते हो घर में। तो इस तरह से हमारा एक बैरिंग निकल चुका है, ये देखिए, ये बैरिंग हमारा एक निकल चुका है। और आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, इस तरह से आप, ये हिलेगा, और जब आप इसे घुमाओगे ना इसको, तो चेक करोगे तो इसमें हल्का सा प्ले आएगा, हमें यहां पे हल्का प्ले महसूस हो रहा है, लेकिन जब ये टायर में फिट हो जाता है, फिट होने के बाद काफी इसमें ज्यादा गैप बन जाता है चलते चलते,
और फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा था आवाज आती है, जो ये यहाँ पे लगा होता है जो टिक 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 की आवाज आती है, इन दोनों में गैप जो दूसरा बैरिंग है, एक यहाँ पे बैरिंग लगा होता है और एक ये है, इन दोनों बैरिंग के बीच में जब गैप बन जाता है ऐसे हल्का सा, ये लूज हो जाता है। यहाँ जो इसमें मैंने कली करवाई थी इसके ऊपर एक मेटल की परत चढ़वा दी थी अलग से, वो खत्म होने के बाद ये लूज हो गया और बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद ये इससे ऐसे बार बार इससे टकराता है टक टक टक, तो वो टिक टिक की आवाज आती है। जब हम खाली मोटरसाइकिल को बिना बैठे हुए चलाते हैं तो उसमें आवाज नहीं आती, लेकिन जैसे ही बैठ के चलाते हैं बिना स्टार्ट किए ज्यादा आवाज पता लगता है, तो ऐसी आवाज आती है जैसे चेन टूटने वाली हो, टिक 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 की आवाज आती है। मैं दूसरा बैरिंग भी आपको निकाल के दिखाता हूं। फ्रेंड्स दूसरे बैरिंग के लिए आप चाहे वही रोड यूज कर लो या ये, तो कई मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे कि इसकी चूड़ियां खराब हो जाएंगी, तो इतना ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल्की चोट लगा के आप निकाल सकते हो। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स कोई इसकी चूड़ी वगैरह कुछ नहीं खराब हुई है, सब ठीक है। ये देखिए ये दूसरा बैरिंग भी निकल चुका है। और जहां तक मैं आपको बताऊं तो मैं कपड़े से इसको साफ करके दिखाता हूं। दूसरी मैंने जो कली इसके ऊपर करवाई थी मेटल की परत जो इसके ऊपर करवाई थी, पहले इस बैरिंग पे करवाई थी जिससे इसमें स्पेस बढ़ गया था, और अब की बार मेरा ये वाला बैरिंग जो है वो खराब हुआ है, मेरा दूसरा वाला बैरिंग खराब हुआ है। तो मैं आपको जो बता रहा था वो इसी तरह था, ये देखिए ये इस तरह से लगा होता है, ये इस तरह से होता है। जब इसमें ये ऐसे गैप बढ़ जाता है तब ये ऐसे इसमें टकरा टकरा के आवाज देता है। और सबसे मेन बात जो हमारी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन पार्ट्स हैं वहां से ही आपने बैरिंग खरीदने हैं, और इस बैरिंग की एमआरपी जो है वो मैं आपको दिखाता हूं, ये है इसकी एमआरपी, ये है। और ये पूरी किट आती है, पूरी किट में हमें ये सामान मिलेगा, तीन बैरिंग मिलेंगे, एक सील मिलेगी और तीन बैरिंग मिलते हैं। ये तीन बैरिंग आप पूछोगे किस लिए हैं, तो दो बैरिंग इसके लिए हैं और एक हमारी जो बैक स्पॉकेट है जिसपे चेन चढ़ती है उसके अंदर लगेगा। अगर वो आपका खराब है, वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि पूरा ही आप सेट चेंज कर दो, जो हमारा बैरिंग है बैक स्पॉकेट रेयर स्पॉकेट है जो, उसका भी आप चेंज कर दो पूरा, तो ही ठीक है। अब जल्दी से मैं फ्रेंड्स मैं जो है इसको मैं पूरे टायर को ही चेंज कर दूंगा, मैं नया रिम लाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैं नया रिम ले आया, तो मुझे अब इसमें ये महसूस हो रहा था कि ये गैप जो है बढ़ चुका है इसमें बैरिंग का भी, बैरिंग मुझे लगा कि बैरिंग में गैप नहीं बढ़ा है, गैप इसमें से बढ़ गया और इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं दूसरा रिम लेके आया हूं। तो मैं जल्दी से इसमें बैरिंग लगा के जो आप चाहे पुराने रिम में डालो या नए रिम में डालोगे तो उसको आपने अंदर से अच्छे से साफ कर लेना है, उसमें मिट्टी ना हो। अच्छे से साफ करने के बाद आपने जो बैरिंग मैं बता रहा था आपको, ये देखिए इस तरह से बैरिंग मिलेंगे आपको, और वैसे लुब्रिकेट इसमें किया हुआ है, ये देखिए इसको अगर हिला के भी देखोगे तो हिलेगा नहीं, ये लुब्रिकेट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपने ग्रीसिंग करनी है, यहां पे भी ग्रीस लगाना है और अंदर भी ग्रीसिंग लगाना है। और ग्रीस आप कोई भी अच्छी कंपनी का ग्रीस ले सकते हैं। इस तरह से आप यहां लगाइए, और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो स्पेसर के बारे में बोला था आपको, ये स्पेसर जो हमारे एक्सल में ही लगा होता है, तो उसको आपने हल्की चोट से इस तरह से, ये देखिए हल्की, ज्यादा फ्रेंड्स ज्यादा तेज नहीं आपने मारना,
हल्की चोट से मारना है इस तरह से, और जब आपको ये आवाज आएगी एक के भी फिट हो चुका है तो उसके बाद प्रॉपर ये अच्छा अंदर बैठ जाएगा। अंदर बैठने के बाद आप दूसरी साइड भी, बैरिंग दोनों साइड से सेम होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप दूसरी साइड लगा रहे हो या किस साइड लगा रहे हो, इस ऐसे अच्छे से बैठ जाएगा और उसके बाद आप दूसरी साइड लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड लगाने से पहले आपने जो हमारा जो इनर साइड इसके रॉड रहती है उसको आपने अच्छे से साफ करना है। अच्छे से साफ करने के बाद पूरी ग्रीसिंग करनी है, और ग्रीसिंग के बाद तब आपने इसको इसके अंदर लगाना है। ये देखिए कोई मिट्टी वगैरह इसमें ना हो इसलिए आपको साफ करना जरूरी है। ये पूरा साफ करने के बाद आपने दोबारा इसको पूरा अच्छे से ग्रीस लगा देना है। फ्रेंड्स, कई मेरे सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि क्या आप मैकेनिक हो, आपकी शॉप कहाँ है? तो फ्रेंड्स, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं भी बुलेट लवर हूँ और आप जैसा ही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जो घर में आप कर सकते हो सिर्फ उतना ही बताऊंगा। मैकेनिकल जो है बड़ा वो मैं मैकेनिक से ही करवाता हूँ, खुद नहीं करता। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप खुद घर पे इंजन को खोले मत, सिर्फ सर्विस वगैरह तक कर सकते हैं, लेकिन सर्विस से ज्यादा बड़ा काम अगर है तो वो आप खुद मत कीजिए, वो आप बाहर मैकेनिक से ही करवाइए। तो ये इस तरह से आपने पूरे पे ग्रीसिंग करने के बाद इसको इसमें डाल देना है। ये देखिए एन अच्छे से ये फिट हो जाएगा, और उसके बाद वही दूसरा बैरिंग जो है दूसरे बैरिंग को भी, ये बैरिंग फ्रेंड्स जो हमारी बैक स्पॉकेट है जो रेयर उसके लिए है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जो दूसरा हमारा बैरिंग है उसको भी इसी तरह ग्रीस लगा के अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग वीडियो के। तो इस तरह से आप ये देखिए, पहले हाथ से इसको दबाइए, उसके बाद जैसे मैंने पिछला बैरिंग जो है वो लगाया था सेम वैसे ही। ज्यादा आपने तेज मारना नहीं है, चोट नहीं मारना है, ये आपका खराब हो सकता है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे 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 इसको आपने लगाते जाना है। ये देखिए एक ये आवाज अलग आने लगी है, इसका मतलब ये फिट हो चुका है पूरा। और ये पूरा फिट होने के बाद आपने इसके ऊपर जो इसकी सील है, ये सील है, और इसके ऊपर जो लगेगी वो हमारी पुरानी वाली लग जाएगी। ये देखिए इसको पुरानी वाली को सील को हम इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से आप इसको लगा दीजिए, ये हाथ से ही लग जाएगी। अगर हाथ से नहीं लगाना है तो इसको भी आप थोड़ा सा यहां से इसको ठोक के सेट कर सकते हैं। इस तरह से ये सेट आ गया। इसके बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।